खातिर दीदी की जिंदगी बर्बाद कर लू है ना, तो एक कर सजा हम तारा के दे, आपन जिंदगी बर्बाद करके बर्बाद कर। सुधा रुक जा, सुधा सुधा क्या करता है? सुधा हमरे ये सारा माजरा साफ साफ समझ में आ गई बा। इनका घर के लोग पिया में दुल्हन बदल दिले बा। लगा था कि हमने की किस्मत खराब है। किस्मत हमने के ना, उस दगाबाज धोखेबाज कुमुद औरत के खराब बा। चल के अभी के अभी दूध के दूध और पानी के पानी करके आए जाए। अरे हाँ, सच कही तो तू तो बहुत ढीठ लेकी बड़ू हो। तेरा समझ में नहीं आवत का, चल अपना घरे जा, अपन महतारी के करेजा पे बैठियो। देखा दीदी, खूटा जैसा यही जा गड़ गिल बाड़ी, ठीक तरीके से हिल तो नहीं खे। जाए दे रीता, मरे दे इनका के अहिजे। हमनी के का करे के बा? हमनी तो जात नहीं इनके घर वालन से साफ साफ कह देवे, ई धोखा से कही या के कबो ना मानब, कबो ना मानब। फिर इनके जहां जाए इनके जहां चल जाइए, चल जाइए, चला। और तहनी दोनों गोरा यही जे रुका। ठीक बा। देख सुधा, जन होके कह रहे तौन तो हो गए, अब हमने के एकरा के बदल भी नहीं के सकत। ऐसे जो कुछ भी हो गए ओकरा के किस्मत के लेखा समझ के मंजूर तो करे के हो। ऐसे तू हमरा से वादा कर कि कबो भी ऐसे उल्टा सीधा कदम ना उठाइबू जेकरा वजह से हमने के परेशानी हो। ऐसे ना, चल तू हमरा से वादा कर। कर वादा? हाँ भैया, हम वादा करा था नहीं, हम ऐसा कुछ हो ना करब। लेकिन अब तो हमार फिक्र छोड़, और जितना जल्दी हो सके दीदी के लगे जा। न जाने हुए जा वो लोग दीदी के साथ कैसन सुलूक करत हो, ये दीदी के साथ दूध में गिरल मक्खी की तरह व्यवहार करत हो ये वो लोग। जा भैया, अब जल्दी से जा। जाके अपने माई बाबूजी को बुला के लेके आए।
हुआ सबे बात सुधा से बिया करे खातिर तय भेद है और रोवा सबे हमनी के आंखे में धूल जो करके एको करिया लड़की के बिया हमरे भतीजा के संगे कह देनी है। देखी जा हमने के केहू के साथे धोखा लेके जा कैसे धोखा लेके जा जॉन भी कुछ भाई बा जॉन सबके सामने और वो पूरे समाज के सामने पूरा रीति रिवाज के साथ समझे नहीं। अरे तो हमने के का पता कि आलू की बोरी में पत्थर भरल बा। हमने थोड़ी ना जानता नहीं कि रउआ सबे दूसरा लड़की दिखा के उनका साथे छेका तक करा के ब्याह के दिन लड़की बदल दे। देखी जा रहुआ सब हम फिर कहता नहीं जोन कुछ भी भाई बनू सबके सामने भाई बकवास एकदम बकवास करता नहीं रहुआ। हमने के सामने कुछ भी नहीं के भाई। अरे रवा तो धोखे से हमने के लड़की के चेहरा तक ना देखे देनी है भनक तक ना पड़े देनी हमने के और आज कहता नहीं कि हमने के सामने भाई बा सब कुछ जॉन भाईल तौन भाई भाईल तौन अब हमनी ई रिश्ता के नइखे मानत के नइखे मानत और जितना जल्दी हो सके रउआ सबे उ लड़की के ओई जसे ले आए ना तो हमनी उ लड़की के अपना खर्च तो का पूरा पुन पुन से बाहर खने रहो आए बच्चे जो बोल लेलू सब बोल लेलू अब हमर बात ध्यान से सुना ऐसा गलती कभी ना करिया तो हम ही का हमर पूरा गांव और समाज जाके तहरा दरवाजे पर अनशन पर बैठ जाए और एक बात अब तो मच्छरी में हरदी लागी है अब पैसे ना देबू अगर जहां हमरा बेटी के अपनावे से इनकार कइलू से इनकार ना हम थाना पुलिस आ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दे तो हमरो नाम कूद ना एक तो चोरी ऊपर से मुंह चोरी रुका अभी बताता नहीं कि कोर्ट कचहरी कहां लगा हम कहता है छोड़ लगा के ना आ इनका चला के निकाल के दो जे भी हो रहा बा बहुत गलत हो रहा बा अभी तक हम लिहाज कर रहा बानी तो मारे खरिहान कर दे ना तो हम ना तो का आज हमनी यही जैसे फैसला करके ही जाए। सीता तू रुक जाओ शांत हो जाओ तू हमनी के ही लोग जैसा ओछी हरकत तक नहीं कर सकत ना संस्कार नाम की भी कोनो चीज होला माना था नहीं कि लोग हमनी के साथे धोखाबाजी कर लेवा ठीक बा हमनियों के पुलिस चौकी जाए इन लोगों के खिलाफ 420 की रिपोर्ट लिखवाए चलो लोग यहां से बाबू देखिए बाबू जौन कुछ भी भाईल बा ओकरे में हमार बेटी भी बा के कोनो गलती नहीं के बा ये लोग के कई गलती के सजा ओकरा के ना दी नादी बाबू बस 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 अब हमने ये विषय में एक शब्द भी ना सुना हमने के रउआ से कोनो संबंध नहीं है। अच्छा रवाज बहुत शरीर बने चलल भाई अरे रउआ भी तो शामिल रहनी ना इस बिया में सब कुछ पता भी रहे रउआ के
तब कहे ना कुछ कही नहीं। ई अन्याय के रोके के बजाय चुपचाप से दुखी का ही खड़ा रहनी है। और आज जब सब कुछ करवा के चलन बनी हाथ जोड़े खातिर, अरे रवा के हाथ जोड़ला से मेरा भैया के साथ जोन कुछ भी भइल बा वो मिट जाए का। बोली जवाब दी, चला बेटा चला ही जैसे इनका से बात करके काहे अपन समय बर्बाद कर रहल बाड़ू। चला बताएं कि अब का कर लिया। अब करे के काबा सीधा चला थाना। जब पुलिस वाला आके हाथ में हथकड़ी लगा के डाल में रस्सा बांध के खींचत ले जाए ना, तब पता चली ये लोग के कि कैसे पाला पड़ल बा। सीधा शरीफ समझ के मुँह चाटे चलल बा लोग। ए माई, अरे ना ना माई, जोश में होश मत खो। हम जो कह रहल बानी वो ध्यान से सुन। ना चिराग भैया, तू कुछ मत कह। चाची बिल्कुल सही कह रहल बाड़ी। ये लोग पहुंचा पकड़ के गर्दन दबावे के लगल बा। हमनी अभी सीधा थाने जाए और ये लोग के सारे हेकड़े ठीक कर दे। हाँ चिराग, अब हमनी के ये लोग जैसा नंगई पुतर के लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकत ना। ये लोग हमनी के साथ धोखाबाजी कैले बा तो ठीक बा, हमनी के थाना में जाके धोखाबाजी के केस लिख पाए, जैसन के साथ तैसा नहीं हुई। चलो हम तार बात माना था नहीं, लेकिन तारा क्या लगा था कि पुलिस हमनी के बात के भरोसा कर ली कि हमने जो कह रहल बानी एकदम साच कह रहल बानी। हमने कहे का मतलब ये बा कि इतना बढ़न कदम ये लोग बिना योजना के कैसे बना ली। हमरा तो लगा था कि ये लोग पुलिस वाला के खिया पिया के अपना साथे कर ले बा। और इसे अब पुलिस वाला हमनी के साथ नहीं देवे वाला। अरे कैसे ना करी मदद, कौनो अंधेर कर दी बाका। थाने में ना मिली तो एसपी साहब के ऑफिस जाई। अच्छा चलो मान ले ली कि इन लोग पुलिस वाला के ना मिले होले हो, लेकिन तब वो हमी थाना में जाके क्या करो। पुलिस वाला पूछी कि भैया का धोखा भइल बा तो हमी क्या कहब। अरे भाई शादी ब्याह तो पूरा सर समाज के सामने भइल बा ना, आ कोनो 5 मिनट के खेला नहीं खेल, पूरा रात लगल बा एकरा में। तो फिर पुलिस कैसे मान ली कि हम जो कह रहल बानी एकदम साच कह रहल बानी। ऐसे कि वो लोग हमनी के लड़की ना देखे देलेस, हमनी के भनक भी ना लगे देलेस कि लड़की बदल गई बिया। अरे ये तो हम ना कह रहल बानी, लेकिन अगर ये लोग मना कर देलस तो, इनकार कर देलस तो पुलिस के पूछताछ में ये लोग कह दी कि ये लोग जो कह रहल बा माने हमनी जो कह रहल बानी एकदम झूठ कह रहल बानी। और ऐसे भी हमनी तो लड़की देखले रहनी नु, कैसे होगी पूरा ब्याह के दौरान हम लड़की के ना देख पाए। और साथे साथ इन लोग के तो पूरा गांव बा गवाही दे दी और कह दी कि हम जो कह रहल बानी एकदम झूठ कह रहल बानी। तब कुछ नहीं की कर सकत हमनी। और ऐसे भी अब तो समाज है ये बा कानूनों बा, और हमनी के कुछ नहीं की कर सकत।
ऐसे भी जितना भी कानून बा सब लड़की लोग के पक्ष में रहला। कानून हमनी के मदद एकदम नहीं कर सकता। तो का कहल जाए? सब कुछ भाग भरोसे छोड़ के हमनी वो लड़की के अपने भाभी मान ली। एक तो हमनी के साथ धोखा भइल और हमने पुलिस में जाके शिकायत भी ना करी। अरे हम खाली ई कह रहल बानी कि पुलिस के पास गइला से कुछो फायदा ना होई। तो फिर का कर जाए? कुछ भी दो सर, चिराग बिल्कुल सही कह रहल बा। अब यहाँ से चल लोगी। अरे चल के ठंडा दिमाग से सोचल जाए और बात कुछ नया फैसला ले जाए। हाँ बेटा, हमरो ये ठीक लगा था। जोश में आके कोनो गलत कदम ना उठावल जाए। घरे चल के ठंडा दिमाग से इस समस्या पर बैठ के बातचीत कर लिया। चलल जाए सब। अरे हाँ रीता दीदी, साँच कही था हम तब मड़वा में ही इनका करिया हाथ देख के पहचान गई रहनी, लेकिन इनका डाइन महतारी वो हमने के बात पलट के भरमा दिल रहली। और का, और इनका बाप उनकरा के ना देख लू? शकल से इतना सीधे लगे वाला आदमी और ब्याहे के दिन ऐसन मुंह लटका के खड़ा रहले, चेहरा पे ऐसन बारा बजा के, जब हमने के पूछे गयी तो इनकर माई बड़े आसानी सफाई दे लगली कि बीमार बाड़े, तबीयत खराब बा। अरे इनकरा के तबियत खराब हुई अब जब इनकरा के ई बात के पता चली ई शादी हम लोग नहीं खे माने वाला, तब सीधा पहुंच जाएंगे स्वर्ग लोक में, ऊपर नोन के बिया ला दे, समझ लू? और तोहरा के और तोहरा उस चालाक माई के जब पता चली ना हमनी से पंगा लेवे के नतीजा, समझ लू? समझ में नहीं के आवत कि तू कहे कि का चाहता रहा? हमनी के साथ इतना बड़ा कांड हो गयलू और हमनी चुपचाप बैठ जाई, मने सब कुछ छोड़ दी राम भरोसे, हाँ? देखो, हमारी बात गलत मत समझो।
हम तो खाली समझावे की कोशिश कर रहे बानी कि समस्या के हल कैसे निकली। तू तो जाना तारू ना कि जो भइल बा ओकरा बदलल नहीं के जा सकत, और इहो बात से इनकार नहीं के कर जा सकत कि अजीत भैया के बियाह पूरा विधि पूर्वक और लड़की के साथ भइल बा, और हमने चाह के भी कुछ नहीं की कर सकत। तहार बात बिल्कुल सही बा चिराग, लेकिन अब हमनी के का करी। चाचा जी वह घर के सबसे बुजुर्ग वाणी, हमनी के इकलौता गार्जियन भी, अब रोगवे बताएं कि अब का कहल जाओ। ए बेटा, हमार तो कुल है ब्रह्मांड घूम गई, हमरा तो कुछ समझे में नहीं आवत कि हम कहा करी। देखिए बाबूजी, अभी समझे समझावे के समय नहीं रह गई। देख ले नीनू, बियाह हो गई बा, लड़की वाले बात के साबितों कर दी। अगर हमने बियाह से इनकार करी नू तो चल जाए लोग पुलिस लगे। कहे के का चाहता रहा, हमने जानबूझ के आपन सर ओखली में कुटाई खातिर छोड़ दी, और जीवन भर ये लड़की के छेले ही। अब और कोनो रास्ता नहीं खेलोगे, लेकिन हाँ एक रास्ता बाचल बा, देनी के अलग होए के, अबा कानूनी रूप से तलाक के। लेकिन ओकरा में बहुत नुकसान बा, क्या कि ओकरा में अजीत भैया के अपन संपत्ति के बहुत बड़ा हिस्सा और महारानी के मुआवजा के तौर पर देवे पड़ी। खेला धोखा भी हमने खैनी और मुआवजा भी हमने दी, एको फूटी कौड़ी न दे, कोनो हराम का पैसा धरल बा का ईजा। अरे तो हमहू तो ये समझावे के कोशिश कर रहल बानी ना, कोनो ऐसा रास्ता निकालल जा जैसा से सांपो मर जाए और लाठियों ना टूटे। कोर्ट कचहरी पुलिस भइल तो हम सब के बहुत परेशानी हुई, और सबसे ज्यादा नुकसान हमनिये के हुई। भैया कहीं लोग सही में पुलिस के यहाँ ना चल गई लोग? ना ननकी, अभी तक तो पुलिस लगे ना पहुंचल, और हम फोन करे रही थाना में वो सब ना पहुंचल। बाकी तू चिंता मत कर ना, अरे एक बार अगर मछली पानी में चल गई ना तो ओकरा पार लग ही के पड़े, और चाहे कुछ भी कर लिया नहीं लोग उनका के विवाह के अपना वही के पड़े। एक बात है नन की, ये सब काम बड़ा ठीक से हो गए। वो कहावत था ना कि हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, लेकिन उनकी एक बात का बड़ा बड़ा अफसोस किया कि सुधा बहन ने अभी भी हमारा से नाराज भी है। अरे कोनो बात ना भैया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। लेकिन भैया एक बात हमारा अब तक समझ में ना आई कि जब सुधा के तू ही अपना घर में बनवाइले रहला तो ये बात तू पहले हमारा से काहे ना बतैला। बेचारी हमार बेटी रात भर छत पे बन्हाइल पड़ल रहा। नानन की, अरे हम सुधा के नहीं मान ले रहे, वो तो खुद परेशान रहे हम कि आखिर सुधा गईल कहां भी आ।
जब पूरब चिल्लेलस ना तब तू जान लू और हम भी जान ली कि सुधा छत पे भी आ। का बात कहत रह भैया, हम तो अब तक यह समझत रहनी है कि सुधा के छत पे तू ही ले आइल बड़ा और तू ही बनवाइले बड़ा अपना घर पे। अरे ना नंदी ना, अरे हम अगर मानती तो तारा के बतेती ना। अरे हम तो खुद परेशान रही कि आखिर हमारे आदमियों से पीछा छुड़ा के सुधा कहाँ भाग गई भैया। कमाल बा भैया, जब ये काम तू नहीं करवाइले तो फिर के करवाइले बा। भगवान के लाख लाख धन्यवाद कि जो ना बिया में हम ना जाए के चाहत रहले ओकरा में कैसे भी करके हमरा के भेजलन। अगर हम कोनो वजह से ना पहुंच पेल रहती तो तू रात जरूर मड़वा में पहुंच गेल रहतू। तार बिया अजीत भैया के साथ हो गेल रही और हम तोहरा जिंदगी भर ला खो दिले रहती। लेकिन अब तो भगवान वो चाहता रहे कि हमारो तार जोड़ी बने, हम जल्दी तरह से ब्याह करके अपना साथी ले आए। तू हमारे बाड़ो सुधा, सिर्फ हमार। जय हो भोले बाबा। चिराग भैया एकदम सही कहत रहले। हमनी के कुछ ऐसे नहीं करे के पड़ी जौना से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन दीदी सब होई कैसे, का कल जाए हमनी के? थोड़ा सब्र रख, सब समझ में आ जाए। देख ई बात तो सही बा कि ई बिया सारा समाज के सामने विधिवत भइल बा। हमनी ई बिया के झुटला नहीं के सकत और अगर हमनी ई बात के माने से मना कर देनी तो वो लोग भैया के जेल भी भिजवा सकेंगे। और अगर हमनी तरीका से अलग होके की चाहब तो तलाक के मुआवजा के रूप में ढेर सारा रुपया उन लोगों के देवे के पड़े। तू भी तो वह सब कह रहे बाड़ू जो नबीन चिराग भैया कह के गई। अब
तू अपने हिसाब से बताओ कि ये समस्या के हल का बा। हल सिर्फ ये बा कि ये लड़की इज्जत से चुपचाप चल जाए। लेकिन ये लड़की इतना आसानी से तो इज्जत से जाए ना, और ना ही एक घर वाला इकरा के इज्जत से लेके जाए। बात तो तुहार सही बा, लेकिन तू कहे के का चाहता रो? ई है कि हमने ये लड़की के इतना परेशान कर जाए, ई लड़की खुद पर खुद तू ये चार दिन में इज्जत से अपना मुड़े पर गोड़ रखकर भाग जाए। फिर तो ना रही बास और ना बजे बांसुरी। यह रास्ता ठीक रहे कि मुफ्त में मिलन मुसीबत से आसानी से छुटकारा पाए घर। एजी रउआ का कहता नहीं? हाँ? एजी बोली ना, रउआ का कहता नहीं? यह ठीक रहे। देखो बेटा, अब एक अलावा कोनो चारा नहीं खे। बुझा था कि कोनो परिहार ग्रह ला गई बा। जब तक ये अनचाही लेकी जैसे चल नहीं खी जात, तब तक थोड़ का कष्ट उठा ले बेटा। ओकरा बाद ही ग्रह कटला के बाद हमने दोनों मिल करके तहार ब्याह कोनो नीमन जगह पर करा दे। हम चलो मलकिनी। भगवान तोहरा के और तोहरा मातारी के दोनों जन्म में घटिया काम करे खातिर माफ ना करिए। अरे कौन है जन्म के बदला निकल लो तू हमनी से? हमार भतीजा का बिगड़ रहा तो हनी के जे इतना बड़ मुसीबत बन के ओकरे घर में टंगा गई हो। अरे घूंघट में अपन चेहरा छिपावे से पहले एक बार अपन सूरत आईना में देख लेवे के चाहत रहा। अरे चला मलकी नहीं है जैसे एकरा से भास करके कौन फायदा निके। चला परेशान मत होगा, हमने के मिलके सब ठीक कर दिया। हाँ भैया, सब ठीक हो जाए। बताए तो कहाँ तो हमने ये सोच ले रही कि ये बिया करवा के अपन मतलब साधल जाए, लेकिन एहजा तो पूरा दांव ही उल्टा पड़ गई। हमनियों से बड़ कमी नहीं निकलत, हमनी जैसन खाग मने के भनक तक ना लागे देलस और धोखा के टोपी हमनी के पहना देलस। ये बोझ जाएंगे धोखा खाली अजितवे के साथ ना, हमनियों के साथ भेल बा। मन तो करत और कुमुदवा के झोटा पकड़ के ओकरा में आग लगा। अब ज्यादा बड़बड़ मत कर,
और अपन मुंह पर ताला लगा कर रखा। अगर हमने कुमुद के खिलाफ कुछ करनी है जाना तो सातिर खिलाड़ी औरत हमने फंसा के छोड़ दी। हमने क्या फंसा दी? का कह ले पाने जी हमने? देखी मलकिन, कुमुद हमरा के धमकी दिले पड़ी कि अगर हमने ओकर बेटी के खिलाफ कुछ करनी है जाना तो हमने के सारा सच्चाई अजीतवा के जाके बोल दी कि हमने अपन मकसद साधे खातिर अजीतवा के साथे हमदर्दी के नाटक कर रहल बानी। हम मानता नहीं कि ई बियाह करवाइले में हमनी के हाथ बा, लेकिन हम ई विवाह सुधा से करवावे के चाहत रहनी है। उ करियट्टी के साथ ना नु किनी बात के मानी तू या हम और के मानी? ये से कुमुद हमरे के कहले पड़े कि अगर हमनी बात के ना समरनी है तो सबके जाके ये बताई सबके जाके दुल्हन बदले में हमनी के हाथ बा। मलकिनी, हमने के अपन बनावल फंदा में वो हमनी के फंसा लेले पड़े। लेकिन ई बात झूठ बा, दुल्हन बदले में हमनी के कोनो हाथ ना रहल। लेकिन ई झूठ हमनी के साबित कैसे कर जाए? जैसे ही सबके पता चले कि रिश्ता के पीछे हमनी के कोनो मकसद छिपल बा, वैसे ही हमनी खातिर मुसीबत खड़ा हो जाए। मलकिनी देखिए, मलकिनी जवान औरत इतना लोग के आंख पे धूल झोंक करके हेरा फेरी कर सकेले वो हमनी के आसानी से फंसा सकती है। यह से हमनी के भलाई यह में बा कि सब कुछ देखत सुनत हमनी के अपन आंख बंद कर लेवे के चाहिए। अच्छा तो ई आसमान में उड़त चिड़िया कपो ना कपो तो जमीन पे आईबे करी, और 14 दिन हमरा के मौका मिल गई ना हम ओकरा के नानी ना याद दिला देली तो हमरा नाम दुलारी ना। के घर में नानू घुसे दिया? नाना ऐसी कोनो बात नहीं के पूरम, वो तो हम अपन मर्जी। झूठ मत बोल, तू कहे आग से लोग का चीज झुटलावे पे पड़ल बरुआ। तू शायद भूला तरु कि तहर सामान अभी ले बाहर पड़ल बा। तरुक हम बात करता नहीं अजीत बाबू से। ना पूरम तनी रुकी, हमरा के बात करे का पूरब। अजीत बाबू बानी का हम उनकरा से कुछ बात करे के चाहता नहीं। अब कौन बात बाकी रह गई बा? अतना कह के भी मन नहीं के भरल का?
जो कुछ भी भइल बा वो बात के हमरा बहुत अफसोस बा। वाह भाई वाह, माने के पड़ी तहनी के बेहे आई। इतना कुछ होला के बाद भी आ गईल एजा आपन ई चेहरा दिखावे। शर्म नाम के कोनो चीज बचल बा की ना तहरा ई आंख में? देखी, हम जाने तनी कि हमनी के तरफ से बहुत बड़ी गलती भइल। लेकिन हमरा विश्वास करी कि जो कुछ भी भइल बानू ओकरा विषय में हमरा के या हमर बहिन विभा के कुछ मालूम ना रहे। विभा निर्दोष भी है। जो कुछ भी भइल बानू ओकरा में हमर बहिन के कोनो गलती नहीं थी। अरे गलती चाहे केहू के भी होके, लेकिन आज भुगते तो हमनी के पड़ रहल बा ना। अब तनी रवे बताए कि अगर यह चीज अपने साथ भइल रहे तो का ओ बेरा भी रवा यह कहती? अरे तानी इतना बातचीत का कर बारू, चल बाहर का एकरा के और एकरा कुपातर पहन के। देखी, हम जाने तनी कि रवलों के साथ बहुत जाति भइल बा, लेकिन सोची ना कि जे गलती नहीं के कैले ओकरा के सजा दिले के का फायदा। एक बार रवलोग हमार बहन की तरफ देखी, बहुत नीमन बाड़ी, ओकर ओकरा जैसे दिल इस दुनिया में दूसर ना मिली। हमार विभा के सजा मत दी, वो बहुत नीमन भी है। अगर यह बात बा तो तू एगो काम काहे नहीं के करत? अपनी नीमन चिकन बहिन के अपनी साथे ले जा और हमनी के तो बख्श दे। देखी, हम रवा लोग से विनती करा था नहीं, एक बार ठंडा दिमाग से हमार बहन से बात करी। हमरा पूरा विश्वास बा कि रवा लोग के गुस्सा छू मंतर हो जाए। का हो तो हर पूरा थाने डीर पागा। पहले तो हर मातारी एक नंबर का ढीत भी बढ़ दी तो हर ई बहिन जवन खूटा कार के भरी खड़ी बिया। अब एगो तोहरा कमी ना करा, तू हो आके अपन दिखाई दिखाई देलस। अब हम कहता नहीं, चल निकल एजा से निकल। मुच्छर मामा हमने के धमकी दे रहे ना कि अगर हमने ओकरा भगिनी के साथ कुछ कही नहीं तो पूरा गांव साइड के हमने के द्वारे के आगे आ जाए। लेकिन हमने धमकी ना चेतावनी दे पानी कि अगर तू एजा से ना निकलन ना तो हमने को गांव वाले के ना बुलाए। हमने पांचों बहन काफी बानी तो हर बने। ओकरा से पहले तू 9-10-11 हो जा, निकल एजा से, निकल एजा से, निकल एजा से। पूरब, ये पूरब। जा जा, बाहर जा, पुलार अरबाड़ी, तेरा अच्छी महीन तरह के पुलार अरबाड़ी जा।
पूरा हमरा मान और तू घरे चल जा। वैसे जाके तू बाबूजी सुधा का ध्यान रख। नहीं, हम तहरा के ही जा छोड़ के कहीं ना जा। और चल एक बा, तू भी चल हमरे साथ। नसीब से पीछा छुड़ा कि वो कहाँ भाग पाए पूरा। हमें जैसे कहीं ना जाए। ये नियति बा और ये है मार मुकद्दर। और वैसे भी हम घरे जाके का करें? अब हमारा ब्याह हो चुकल बा, पर तू तो जानते बाड़ा कि हमरा ब्याह के लेके पहले से ही घर के लोग कितना परेशान रहना। अब अगर हम वापस चल गए नहीं तो वो लोग की परेशानी और बढ़ जाए, और अब हम वो लोग खाते परेशानी बने के नहीं खींचा है। लेकिन तू एंजो कैसे रहू? अब तो जवान हमरा नसीब में हुई सही है कि पड़ी। हम अपना नसीब के पिता के विधान मान के सहले। अब तू जाए इजा से, और जाए से पहले हमसे वादा करके जा कि जवन कुछ भी भई एक का जिम्मेदार तू माई के मान के उनकरा से नाराज ना रहे। हाँ पूरा एकरा में माई के ना हमरा नसीब का दोष बा। ऐसे तुम माई से बैर मत रखिया। अब तू जा। जिद मत कर भाई, जिद मत कर। याद कर, तू याद कर जब जब हर साल हम तेरा के राखी बांधी तो तू हमरा से ये कहा कि दार ने गुदार रहे। जब हम नौकरी करब तो तेरा के सब कुछ दे। आज हम तू से अपन उधार मांग रहे बानी भाई। हाँ पूरा आज हम के हमारे नेक के रूप में तू यही दे दे कि तू ऐजा से चल जा। जैसे चल जा भाई और वादा करके जा कि हमारी चिंता छोड़ के तो अपने घर वाले लोग के ध्यान रखा। वादा कर भाई। कितना आसानी से तू अपन राखी बन भैला मांग ले लू ना। तारा हमार उधारी लगावल बात याद बा, लेकिन तू बात कैसे भूल गई लू जन हम राखी बन होला के बाद तारा से वादा करत रहे कि तारा के हम कबो कबो कौन तकलीफ में ना रहे दे, तारा के हर मुसीबत से बचाए, तार दुख दर्द सब बराबर बराबर बांट ले। इसे इसे कम से कम आज तक अपन राखी के दुहाई मत था। जाने तनी कि हम ऐसा भागा भाई है जो आज तक अपन बहन खातिर कुछ ना कर पाए, लेकिन आज हम तारा की ही हाल में छोड़ के कहीं ना जाए। तू चल हमरा साथ, तू चल हम तारा के लेके नानी के यहाँ चल जाए। मेहनत मजूरी करब हमनी के गुजर बसर हो जाए बीबा। तू हमरा पे भरोसा रखा, तू हमरा पे भरोसा रख, हम सब संभाल। और बीबा देख तू अनाथ नहीं को, तार भाई अभी जिंदा बा, हम जिंदा बा नहीं तारा खातिर। चल विभा तो चल हमरा साथ। चल हम थोड़ का देर ला तार बात मान के तरह साथ ही चलते हैं। लेकिन सोच ले बार उकरा बात का हुई, एक तो हमरा वजह से पहले से ही बाबूजी इतना परेशान मानी। अब अगर बाबूजी के ये बात के पता चली तो जीते जी मर जाए। नहीं ये तो सोच कि हमने क्या ऐसा हाल में देख के नानी की कहा हुई
कि बुढ़ापा में वो इतने दुख इतना तकलीफ कैसे बर्दाश्त करिए। ना पूरा हमेशा से कहीं ना जाए, हम जाने तनी कि तू अपना बहन खातिर कुछ भी कर सकेला, लेकिन हमने की उठा वाली ये कदम एकदम सही ना हो। और वैसे भी इस समय बाबूजी की सबसे ज्यादा जरूरत आहार हुई, तू जाके उनका आके संभाल, पर हमारी चिंता एकदम मत कर। हम जाने तनी कि अभी ये लोग हमरा से नाराज बा और इनकी नाराज की जायज भी बा, ऐसे तू अभी जा और अपना बहन का भरोसा रख, हम एक ना एक दिन ये लोग के दिल जरूर जीत ले, हम सब ठीक कर ले, पूरा सब ठीक कर ले। हम तेरा के हाथ जोड़ता नहीं पूरा, हमार बात मान ला भाई, तो ये जैसे चल जा, तू जा ये जैसे पूरा। जान बने, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि तार भाई तारा खातिर कुछ भी कर सकेला, कुछ भी। अब जानू तानी, Oh।